देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, हमारे टोपोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर को करते हैं और इस लास्ट थ्योरम को करने के बाद जो है हम चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, कनेक्टेड के ऊपर है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्या है थ्योरम। थ्योरम ये कहता है, लेट एक्स स्टार टी स्टार बी द सब स्पेस ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, देन डी स्टार ई क्या है, एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ई, वेयर डी स्टार एंड डी डिनोट द ड्राइव्ड सेट विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार एंड टी रिस्पेक्टिवली। जैसे ये देखो, ये हमारे पास कोई एक्स स्टार टी स्टार है, ओके, और ये हमारा कोई एक्स टी है। ठीक है, ई क्या है, कोई सबसेट है एक्स स्टार का, ई क्या है, कोई सबसेट है एक्स स्टार का, और आप इसका क्या निकालना चाहते हो, ड्राइव्ड सेट निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो, ड्राइव्ड सेट ई का, किसके अंदर, एक्स स्टार के अंदर। तो आप क्या करो, इस ई का ड्राइव्ड सेट कैलकुलेट कर लो, किसके अंदर, टी के अंदर, और उसका इंटरसेक्शन कर दो किसके साथ, एक्स स्टार के साथ। ये आ जाएगा ड्राइव्ड सेट ऑफ ई इन एक्स स्टार। क्या करो, इस ई का ड्राइव्ड सेट कैलकुलेट कर लो इस एक्स के अंदर, यानी इस टी के अंदर, और उसका इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ कर दो, वो किसके अंदर आ जाएगा, टी स्टार के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, टी स्टार के अंदर। अब वही चीज मुझे क्या दिखाना है, फर्स्ट थ्योरम में इन दोनों को इक्वल, क्या दिखाना मुझे, इनको इक्वल दिखाना है। और हम जानते हैं प्लस वन क्लास का रिजल्ट, किन्हीं दो सेट को इक्वल कब कहते हैं, फर्स्ट सेट सेकंड में कंटेंड हो, सेकंड फर्स्ट में कंटेंड हो। मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट यहां का लेके चलूंगा, यहां दिखाऊंगा, फिर यहां का लेके चलूंगा, यहां दिखाऊंगा, इक्वल हो जाएंगे। आइए देखिए प्रूफ। लेट किया, कोई एक्स एलिमेंट है, कहां बिलोंग करता है, डी स्टार ई के अंदर, यहां बिलोंग करता है। देखिए एक बात तो कंफर्म है, ई ये है, इसका जो ड्राइव्ड सेट आएगा, ये जो एक्स पॉइंट है, ये क्लियरली कहां कंटेंड होगा हमारे पास, ये हमारे पास कंटेंड होगा इस एक्स के अंदर, एक्स स्टार के अंदर। और क्या बोल देंगे हम, ये बोल देंगे एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई इन टी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एक्स क्या लिमिट पॉइंट है, किसका, ई का, इन टी स्टार टोपोलॉजी। ओके, अब एक्स लिमिट पॉइंट है, तो अब यहां लगाऊंगा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। क्या है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलेगा, किसके अंदर, टी स्टार के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, यहां लिख देता हूं मैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, नाम दे दिया जी स्टार, इन टी स्टार, सच दैट कि ई इंटरसेक्शन जी स्टार माइनस सिंगलटन एक्स किया जाएगा, दैट नॉट इक्वल टू फाई, ये फाई नहीं आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी स्टार। ठीक है, एक्स को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है, उनमें से जब x माइनस करके e के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा, वो फाई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि x क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है e का। दैट मींस क्या कहेंगे, x को कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है, जैसे ये हो गया जी स्टार, जितने भी ओपन सेट है उन सब का, उन उसमें से x माइनस करने के बाद इंटरसेक्शन लोगे, वो फाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट ऑफ फाई आ जाता तो लिमिट पॉइंट नहीं होता। ये बोल दी, यहां आपको समझ में आया या नहीं, ये स्टेप क्या, ई इंटरसेक्शन जी स्टार माइनस सिंगलटन एक्स, ये क्या आ गया, नॉन फाई। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या दिखाना कि एक्स को लिमिट, एक्स को कहां भेजना, देखो इस एक्स के अंदर तो ऑलरेडी है ही, मेरा टारगेट है कैसे ना कैसे इसको यहां भेज देना, इस एक्स को लिमिट पॉइंट बना देना ई का, और जो ई है, जो ओपन सेट है, वो कहां से आना चाहिए, डी क्या लिमिट पॉइंट है, कलेक्शन है ड्राइव्ड सेट की विद रिस्पेक्ट टू टी। आइए
अब क्या किया मैंने, ये मैं कर देता हूं रफ डायग्राम। देखिए पहली बात तो ये, जी स्टार इज ओपन इन टी स्टार। जी स्टार क्या है, ओपन है टी स्टार में। और मुझे ये पता है कि टी स्टार का जो मेंबर है वो कैसे लिखा जाता, कैसे आता है। जी स्टार अगर टी स्टार में ओपन है तो यहां से हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, नाम क्या रख दिया जी, सच दैट कि जी स्टार बराबर आएगा एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी। कहां बिलोंग करता है ये, टी में, ठीक है। ये आ गया जी स्टार किसके इक्वल आएगा, एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी। क्यों, क्योंकि टी स्टार का जो मेंबर आता है वो कैसे आता है, टी वो आता है टी के मेंबर का इंटरसेक्शन करो एक्स स्टार के साथ, तब ये आएगा जी स्टार का मेंबर, सॉरी टी स्टार का मेंबर। ये आ गया, ये वैल्यू ले जाके पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए ई इंटरसेक्शन जी स्टार की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस सिंगलटन एक्स। क्या है ये, नॉन फाई। यहां देखो, देखो ये क्या है, छोटा सेट है, ये क्या है, छोटा सेट है। अगर बड़े सेट की बात करूं, मैं ये कहूंगा ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस सिंगलटन एक्स, ये हमारा कंटेनमेंट करता है ई इंटरसेक्शन जी माइनस सिंगलटन एक्स, ये सेट इसके अंदर कंटेनमेंट करता है, ठीक है। और ये क्या गिवन है मुझे, नॉन फाई। क्या है ये, नॉन फाई, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉन फाई। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ई इंटरसेक्शन जी माइनस सिंगलटन एक्स, ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाई। क्या जाएगा ये, नॉट इक्वल टू फाई, ओके। ये तो डेफिनेशन है, नॉन फाई आ गया तो क्या कहेंगे, एक्स क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया इस ई का। क्या बोल देंगे हम ये बोल देंगे एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई इन टोपोलॉजी टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या चला जाएगा, ड्राइव्ड सेट में चला जाएगा, कौन, एक्स, किसके, ई के। डी में गया क्योंकि ये क्या है, डी क्या है, ड्राइव्ड सेट है ई का इन द टोपोलॉजी टी। अब यहां देखो क्या है, ई इंटरसेक्शन जी माइनस सिंगलटन एक्स नॉन फाई आ गया, मतलब एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई इन द टोपोलॉजी टी, क्योंकि ये किसका मेंबर है, टी का मेंबर है। ये क्या था, लिमिट पॉइंट था, किसका था लिमिट पॉइंट, ई का इन द टोपोलॉजी टी स्टार, ये टी स्टार के अंदर था, ये कैसे आ गया, टी के अंदर। तो इसका मतलब एक्स कहां बिलोंग कर गया, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई के अंदर। और यहां ऑलरेडी गिवन ही था एक्स कहां है, एक्स स्टार में, एक्स कहां भी आ गया, डी ई में। तो एक बात तो कंफर्म हो गई आपको कि सर क्या, कि ये कंफर्म हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं एक्स एक्स स्टार में भी है और एक्स ड्राइव सेट ऑफ ई में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों की कहां जाएगा, इंटरसेक्शन में। एक्स कहां बिलोंग कर जाएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। किसका उठाया था, ये रहा डी स्टार का उठाया था, किसमें आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। कैसा था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इनमें आ गया इंटरसेक्शन में, तो क्या कहेंगे, डी स्टार ई कंटेनमेंट कर जाएगा। क्या कहेंगे, डी स्टार ई कंटेनमेंट कर जाएगा, किसके अंदर, एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ऑफ ई। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब रिवर्स करना, मुझे क्या लेके चलना है, मैं ये लेके चलूंगा ये सेट इसके अंदर कंटेनमेंट करता है। क्या लेके चलूंगा, ये सेट जो है इसके अंदर क्या करता है, कंटेनमेंट करता है। एक मेंबर इसका लेके चलूंगा और कैसे ना कैसे फिर दिखा दूंगा वो इसका है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेट फिर हमारे इक्वल हो जाएंगे। आइए लेके चलता हूं, एक बार फिर देखिए क्या किया मैंने। लेट एक्स स्टार
कोई एक्स मेंबर ले लिया डी स्टार का आर्बिट्रेरी, इसका है तो ये किसका भी है, एक्स स्टार का भी है। ओके, एक्स क्या लिमिट पॉइंट है ई का इन द टोपोलॉजी टी, तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, किसके अंदर मिलना चाहिए, जिसके अंदर ये क्या है, जिसका ये किसके अंदर है, ये टी स्टार, ये ई टी स्टार टोपोलॉजी के अंदर ये लिमिट पॉइंट। ओपन पॉइंट कहां मिलेगा, टी स्टार में, सच दैट ई इंटरसेक्शन जी स्टार माइनस सिंगलटन एक्स क्या आएगा, नॉन फाई। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन का यूज किया कि ओपन सेट टी स्टार के अंदर आता कैसे है, तो टी स्टार में ओपन लेने के लिए क्या मिला होगा, एक ओपन सेट मिला होगा जी किसके अंदर, टी के अंदर, कैसा कि जी स्टार आया होगा एक्स स्टार इंटरसेक्शन जी, ये वैल्यू ले जाके जी स्टार की यहां पुट कर दी, ये बन गया। अब मैं ये जानता हूं ये सेट कंटेनमेंट करता है इस सेट के अंदर, ये है नॉन फाई, तो ये भी क्या आ गया, नॉन फाई, तो यहां से क्या कहेंगे, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ इन द टोपोलॉजी टी, तो इसका मतलब एक्स कहां बिलोंग कर जाएगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई में इन द टोपोलॉजी टी, एक्स एक्स में भी है डी ई में भी है, तो एक्स कहां आ गया, इन दोनों के इंटरसेक्शन में, एक्स था किसका, इसका, तो ये कहां चला जाएगा, इसके अंदर। अब एक एलिमेंट इसका लेंगे और इसके अंदर दिखाएंगे, क्या करेंगे, एक एलिमेंट एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ई का लेंगे और कैसे ना कैसे डी स्टार ई के अंदर उसको हम शो करेंगे कि वो उसके अंदर बिलोंग करता है। आइए देखिए, नाउ लेट एक्स बिलोंग करता है एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ऑफ ई बी एनी एलिमेंट, यहां आइए, इस इंटरसेक्शन में तो एक्स किसका भी है, डी ऑफ ई का भी है, इसका मतलब यहां से क्या कहेंगे, एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ, एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट है किसका, ई का इन टोपोलॉजी टी। ओके, लिमिट पॉइंट है तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी किसके अंदर, टी के अंदर, सच दैट ई इंटरसेक्शन जी माइनस सिंगलटन एक्स क्या आया होगा, नॉट इक्वल टू फाई, क्या आया होगा, नॉट इक्वल टू फाई। अच्छा, एक्स इसके अंदर है, एक बात बताना, एक्स किसके अंदर है, इसके अंदर है जी के अंदर, और एक्स किसके अंदर भी है, टी स्टार के अंदर भी है, एक बात तो कंफर्म है हमारे पास, जो हमारा इंटरसेक्शन लेंगे हम ये नॉन फाई है, तो हम यहां से क्या कहेंगे, ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार में से ये घटाएंगे ना, ये भी हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाई, ये भी क्या आएगा हमारा, नॉट इक्वल टू फाई आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एक्स एलिमेंट ये था, इसको कंटेन कर इनका इंटरसेक्शन था हमारे पास, और जो ई मेंबर है ये कहां कंटेनमेंट करता है हमारे पास, ई कंटेनमेंट करता है एक्स स्टार के अंदर, ई एक्स स्टार का मेंबर था। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो इंटरसेक्शन के अंदर ये नॉन फाई था, तो इसका मतलब इसके साथ नॉन फाई है, इसके साथ भी क्या रहेगा, ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, क्योंकि ई का कहां कंटेनमेंट करता है, ई तो एक्स स्टार के अंदर है, जब ई का इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ करेंगे तो ई ही आ जाएगा, तो ये जो आपको ई दिखाई दे रहा है, ई की जगह क्या चला हुआ, अब ई स्टार है, ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार, कोई दिक्कत नहीं है, रहना तो ई ही है, ये भी क्या रहेगा हमारा, नॉन फाई, ये नॉन फाई आ गया। अब जी का इंटरसेक्शन एक्स स्टार के साथ किया गया, ये कैसा सेट है, ओपन सेट, किसके अंदर, टी के अंदर, तो जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार ये क्या बनेगा, टी स्टार, क्या बन जाएगा, ये हमारा टी स्टार बन जाएगा, तो यहां लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा ई इंटरसेक्शन टी स्टार, ये ई जी स्टार इंटरसेक्शन दिस, और ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाई, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, एक्स इज
लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ ई इन टी स्टार टोपोलॉजी। तो इसका मतलब एक्स कहां बिलोंग कर जाएगा, ड्राइव्ड सेट डी स्टार ई के अंदर। किसका उठाया था हमने, इसका, कहां गया इसमें, तो ये सेट उस सेट में क्या हो जाएगा, कंटेनमेंट। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या हो जाएंगे ये दोनों, इक्वल। देखिए क्या कैसे किया है, एक्स एलिमेंट इसका लेके चला एनी एलिमेंट, एक्स कहां बिलोंग करता है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई, यानी एक्स लिमिट पॉइंट है ई का इन द टोपोलॉजी टी। अब डेफिनेशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट, ये क्या इसका लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, या ओपन सेट कौन, एक्स, देयर एग्जिस्ट जी, कि एक्स उसके अंदर है, ई इंटरसेक्शन जी करेंगे तो नॉन फाई। अब ई कहां कंटेनमेंट करता है, एक्स स्टार में, ओके, और वो इसमें ये नॉन फाई है, तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एक्स स्टार ये चीज करेंगे, ये भी क्या रहेगी हमारी नॉन फाई, ये नॉन फाई रहेगी, इसका क्या नाम हो जाएगा, जी स्टार, जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार क्या हो जाएगा, जी स्टार, ये किसका मेंबर हो जाएगा, टी स्टार का, ये नॉन फाई, तो एक्स लिमिट पॉइंट होगा ई का इन टी स्टार टोपोलॉजी, एक्स कहां बिलोंग कर गया, डी स्टार ई के अंदर, एक्स कहां बिलोंग कर गया, डी स्टार ई के अंदर। किसका उठाया था, एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ई का, कहां आ गया, डी स्टार ई में, तो ये कौन किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एक्स स्टार इंटरसेक्शन डी ई कंटेनमेंट कर जाएगा डी स्टार ई में, और डी स्टार ई पहले में कहां कंटेन था, इसमें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर इक्वल। क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट के अंदर, अब बचा हुआ है तो ये एक थ्योरम जो मैंने आपको दी थी इसको भी करवाई देता हूं। देखिए क्या है स्टेटमेंट, देखिए थ्योरम ये है, लेट M इज नेबरहुड ऑफ X इन किसके अंदर, T स्टार के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट एन नेबरहुड N इन T के अंदर सच दैट, कि एम है ये कैसे आया होगा, एन इंटरसेक्शन एक्स स्टार करके, ये मुझे प्रूफ करना है, क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है, एक्स स्टार टी स्टार ये है। अगर मान लो मुझे कोई नेबरहुड लेनी है एक्स की, किसके अंदर, एक्स स्टार के अंदर, इस एक्स की नेबरहुड मान लो ये लेना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो एम है ना, दैट इज द नेबरहुड ऑफ एक्स इन एक्स स्टार, क्या कहना चाहता हूँ, ये एक्स स्टार के अंदर ये इसकी क्या है, नेबरहुड है। कब कहूंगा, मुझे एक नेबरहुड मिलनी चाहिए एन, क्या मिलनी चाहिए मुझे, एक नेबरहुड एन किसके अंदर, टी के अंदर। कैसी होनी चाहिए वो, कि जब n का इंटरसेक्शन इस x स्टार के साथ करूं तो वापिस हमारा m आए, ये होना चाहिए, ठीक है, क्या करे, इंटरसेक्शन करे तो ये आए, आइए कर लेते हैं इसका हम प्रूफ। एम क्या है, नेबरहुड है एक्स की टी स्टार के अंदर, क्या प्रूफ करना है कि एन जो है वो नेबरहुड होगी एक्स की, किसके अंदर, टी स्टार के अंदर, और क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन स्टार एन इंटरसेक्शन एक्स स्टार,
ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। एक बार प्रॉपर मैं स्टेटमेंट भी देख लेता हूँ, यही हो गया आई थिंक। हाँ यही है डेफिनेशन। आइए प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है, M is neighborhood of X in T star। इसका क्या मीनिंग है? नेबरहुड तो क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G star किसके अंदर, T star के अंदर, सच दैट X कहां बिलोंग करेगा, इस G star के अंदर, और G star कहां बिलोंग करेगा फर्दर हमारा, इस M के अंदर बिलोंग करेगा। फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया। नाउ G स्टार बिलोंग करता है T स्टार में, इसका मतलब क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, ये T स्टार में कब आया होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G कहां, T में, सच दैट कि कैसे आया होगा ये, जब G का इंटरसेक्शन इस X स्टार के साथ किया होगा तभी आया होगा। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है, M अगर नेबरहुड है X की तो एक नेबरहुड N मिलनी चाहिए X की, किसके अंदर, T के अंदर। मैं अब ये मान लेता हूं दैट इज, अच्छा ये और गिवन है, M इज, M क्या है, सबसेट है किसका, X स्टार का। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है, X कहाँ बिलोंग करता है, M में, और X M में है तो X कहाँ भी है, X स्टार के अंदर। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने। एक बात तो क्लियर है कि X कहाँ बिलोंग करता है, इस G स्टार में, और G स्टार इसके इक्वल है। एक बात तो क्लियर है कट कि X कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, X बिलोंग करेगा G इंटरसेक्शन X स्टार के अंदर। कहाँ बिलोंग करेगा ये, G इंटरसेक्शन X स्टार के अंदर, और इसका नाम मैंने दे दिया N, लेट कर लिया मैंने, N नाम दे दिया किसका, G इंटरसेक्शन X स्टार का। और अब मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ, जो मुझे नेबरहुड चाहिए थी ये वही है, दैट इज N। ये क्या है हमारी, N है, नेबरहुड है, X को अपने अंदर कंटेन करती है ये। ये क्या है, ये हमारी नेबरहुड है जो हमें चाहिए थी। ना ये नाम ना देके, ये मत नाम दो, कह के छोड़ दिया ये। अब ये वैल्यू एक काम करो, यहाँ जी स्टार की वैल्यू ले जाके पुट करो, क्या आ गया, एक्स कहाँ बिलोंग करता है, जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार में, और ये फर्दर कहाँ कंटेनमेंट करता है, इस एम के अंदर। ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह के छोड़ दो। अब मुझे क्या मानना है, एक सेट मान लिया मैंने, लेट N नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया मैंने, ये जो मेरा G आया हुआ है और यूनियन M का, इसका नाम N दे दिया। पहली बात तो ये क्लियरली जो N है, जो G है वो कंटेनमेंट करता है इस N के अंदर। क्या कहेंगे, G कहाँ कंटेनमेंट करता है, N के अंदर।
तो इसका मतलब तो हम ये बोल देंगे जो एक्स है स्मॉल एक्स एन उसकी नेबरहुड है, एन इज द नेबरहुड ऑफ स्मॉल एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स कहां कंटेनमेंट करता है जी में, जी कहां कंटेनमेंट करता है एन में। मैंने ये मान लिया एन, जी यूनियन एम, क्लियरली जी जो है वो कंटेनमेंट करता है एन में। यहां से क्या कह देंगे हम, एक्स कहां है जी में, जी कहां है एन में। तो इसका मतलब एन क्या हो गई, नेबरहुड हो गई एक्स की। क्या बोल देंगे, एन क्या हो गई, नेबरहुड एक्स की। एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी कि अगर एक्स जो एम है वो एक्स की नेबरहुड है तो देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन इन टी, और क्लियरली ये टी के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये किसका पॉइंट है, जी, ये है टी का मेंबर। अब ये दिखा देता हूं कि ये जो हमारा एन इंटरसेक्शन एक्स स्टार है ये एम आएगा। आइए करते हैं इसका भी प्रूफ, समझ में आया ये। एन की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार, इंटरसेक्शन एक्स स्टार, ये तो क्या बन जाएगा हमारा जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार ही बन जाएगा। और जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार कहां कंटेनमेंट करता है, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू गलत पुट कर दी, इसकी वैल्यू है जी यूनियन एम, अलग अलग करो, जी इंटरसेक्शन एक्स स्टार यूनियन एक्स स्टार इंटरसेक्शन एम। यहां ये देखो एम का कंटेनमेंट करता है एक्स स्टार में, तो इनका इंटरसेक्शन तो क्या आएगा एम, ये तो बन गया एम, एम का यूनियन, ये सेट का कंटेनमेंट करता है एम में, ये एम में कंटेनमेंट, ए कंटेनमेंट करता है बी में, तो ए यूनियन बी क्या आता है बी, ये चीज कंटेनमेंट करती है एम में, तो इसका मतलब इनका क्या जाएगा ये एम, और यही मुझे प्रूफ करना था, एन इंटरसेक्शन एक्स स्टार क्या आएगा एम। ओके ये हमारा इसका प्रूफ हो गया, क्या लेके चला मैं राइट हैंड साइड, एन इंटरसेक्शन एक्स स्टार, एन की वैल्यू पुट कर दी जी यूनियन एम, ये एज इट इज अलग अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसका, अब एम कंटेन है एक्स स्टार में, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा स्मॉलेस्ट यानी कि एम, और ये चीज कंटेनमेंट करती है एम में, ए कंटेनमेंट करता हो बी में, तो ए यूनियन बी क्या आता है बी, दैट इज कंटेन इन एम, और ये एम है तो इनका यूनियन क्या आएगा एम, क्या आ गया ये, और यही हमें इसका प्रूफ करके दिखाना था। ओके आई होप ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम क्या स्टार्ट करते हैं अब हमारा, कि कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड सेपरेट डिसकनेक्टेड, ये सारी चीज़ें को हम स्टार्ट करते हैं और इनके ऊपर जो है थ्योरम सीखेंगे और फिर थ्योरम के ऊपर अप्लीकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम सोल्व।